हमारे यूट्यूब के चैनल पे लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें। हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग कंपनी के, जैसे रिकमेंडेशंस आती है या फिर मुझे भी लगता है जो कंपनी अच्छी है या फिर जिस कोई कंपनी अच्छी थी और अभी उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर हम रिव्यू देते हैं जनरली। तो आज बढ़ते हैं आगे की ओर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं वीडियो, और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको प्रॉपर डिफाइन कर सकूं आपके सामने, उसका जो उसके फीचर्स हैं आप लोगों के सामने रख सकूं। एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के रिकमेंडेशंस पे ये वीडियो बन रहा है। तो पहले हम देख लेंगे आज का जो प्राइस है, 4 सितंबर 2019 को मार्केट बंद हो चुकी है 3:46 और 369 यानी 379 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और जो साल का इसका हाई और लो था, तो हाई था 475 रुपया और लो बनाया था इसने 294 रुपये, और हाई और लो के बीच में है करीब करीब 369 के आसपास। मार्केट कैप इसकी 11,547 यानी मिड कैप कंपनी है, और फेस वैल्यू ₹2 की है। पी रेशियो इसका जो है 19 के आसपास है, अर्निंग पर शेयर है 20 और प्राइस टू बुक है 4.46, डिलीवरी इसकी 35% के आसपास है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। जिन्होंने एक साल पहले पैसे लगाए थे उनको 11% का लॉस है, और जिन्होंने 6 महीने पैसे पैसे लगाए हैं उनको 5.5% के रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये रहा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम कुछ इसके फंडामेंटल देखते हैं, कंपनी क्या काम करती वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग निवेशित हैं उनको उनके लिए तो बहुत समझना ज़रूरी है। तो पहले हम चलते हैं हेक्सावेयर सॉफ्टवेयर, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है ये, और वो सारी चीज़ें अगर मैं पूरा जो इसका निचोड़ आपको जो सार बताऊं कि अगर एक लाइन में कहा जाए कि कंपनी करती क्या है, तो पहले हम सर्विसेज देख लेते हैं फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कंपनी करती क्या है। एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, डिजिटल इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन। किन किन इंडस्ट्री में यह सर्विस देती है, ये जो सर्विस अभी हमने आपके सामने पढ़ी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज। तो अगर मैं अब कहूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, अगर एक ही उदाहरण उठा लेते हैं, मान लीजिए आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले आप बैंक जाते थे तो मैनुअल जो करते थे सारी चीज़ें, कि जैसे कि आपको विड्रॉ करना पैसे तो आप उसमें स्लिप भरते थे, चेक काटते थे, फिर वो रजिस्टर में लिखा जाता था, आप सिग्नेचर करते थे, आप पैसे कैश लेते थे, फिर उनको जो है चेक देते थे, इस प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी करते थे आप। अभी क्या करते हैं आप, उन्होंने मोबाइल उठाया, मोबाइल में एक एप्लीकेशन दी, किसने दी है, ये बैंक ने दी है, बैंक ने आपको एप्लीकेशन दी है, आप उस अपनी बैंक के ऐप के द्वारा माध्यम से आप सारी चीज़ें जान सकते हैं, आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, आप अपने ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, आप का FD कितना है वो भी देख सकते हैं। तो जो कुछ भी हो गया है सब डिजिटल हो गया है, और आप भी सारा काम कर लेते हैं जो पहले आप नहीं कर पाते थे। आप बैंक जाते थे, आपको FD खोलनी है तो सर्विस लेनी पड़ती थी, कोई आपकी हेल्प करता था वहाँ पे, आपको पैसे विड्रॉ करने होते थे या किसी को देने होते थे। जो बैंकिंग सर्विसेज थी जो आप कर लेते हैं आज के टाइम पे, जो आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर या डिजिटलाइजेशन जो हो चुकी है, बैंक एप्लीकेशन आपको एक प्रोवाइड करता है, और बैंक को ये सर्विसेज कौन देती है या उनकी सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखती है, ये सर्विस ऐसी कंपनियां हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी या जितनी भी सारी हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी मैंने कई कंपनियों के बारे में रिव्यू दे चुका हूं। तो IT सॉफ्टवेयर जितनी कंपनियां, इनका यही काम है कि इनके पास जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को अपनी ये सर्विस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्रोवाइड करती है। सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। इसी तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर का हो, चाहे ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे प्रोफेशनल सर्विसेज का हो,
हर बिजनेस मैन या जो कंपनी होती है, सबके अपने एप्लीकेशंस होते हैं, वेबसाइट होती है, और उसी के माध्यम से वो ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे जो कुछ। समझने में आपको समझ आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ओवरऑल जो मैंने ये देखा वो आपको मैंने सार बताया, चाहे तो आप डिटेल्स में आप इस वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। मुझे बहुत कुछ पता चला लेकिन मैं आपको निचोड़ ही बता पाया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको अब आके इसके फंडामेंटल पे हम बातचीत करेंगे किस प्रकार के। बाकी चीज़ें हम देख ही चुके हैं, और अगर हम सिर्फ इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्वार्टर के पहले देख लेते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे जिस प्रकार से मार्च 19 और जून 19 में अगर हम नेट सेल्स में इनके कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ी सी डाउनसाइड है। जहाँ मार्च 19 में 1264 करोड़ की थी, वहीं जून 19 में हो गई 1308, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। तो क्वार्टर में इनको जो है नेट सेल्स में बढ़त है, और अगर हम कई क्वार्टर्स में देख रहे हैं लगातार, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। अगर हम सब कुछ स्किप करते हुए नेट प्रॉफिट पे आते हैं, तो नेट प्रॉफिट में अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों को छोड़ के, अगर दिसंबर 2017 के क्वार्टर को हम छोड़ के, फिर लगातार यहाँ पे दिसंबर 18 भी क्वार्टर में डाउनसाइड है, और जो मार्च 19 में था 138 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट, वही जून 19 में हो गया 151 करोड़, यानी कि यहाँ भी इसकी अपसाइड है, ये एक अच्छी बात है। और अगर कुछ वर्षों के हम जो साल का एंड होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिसंबर 8, दिसंबर 9, दिसंबर 10, यहाँ पे नेट सेल्स देखते हैं, तो भी अगर हम 2011 से पकड़ते हैं तो लगातार थोड़ी सी कभी कभी डाउनसाइड है नेट सेल्स में, फिर लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी यहाँ पे अपसाइड दिख रहा है। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट में भी हमें लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं हमें इनके, नेट प्रॉफिट में भी और क्वार्टरली भी। कंपाउंडेड अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं इनके 3 साल का जो लास्ट है, तो 14% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। और कंपाउंडेड अगर हम नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये भी 14% के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जो कमाई है इनकी, वो भी अगर हम 3 साल का एवरेज देख रहे हैं तो 26% के आसपास एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बैलेंस शीट पे अगर हम कुछ और चीज़ें बेसिक देख लेते हैं, जैसे कि रिज़र्व कैसा है इनके पास, तो जून 2019 में जो ये आंकड़ा है 2480 करोड़ इनके पास रिज़र्व है, और बोरोविंग्स के नाम पे मतलब जो कर्ज़ा है 166 करोड़ ही दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि उधारी कम है इनके पास, तो ये थोड़ा सा ठीक बात लग रही है। और जो रिज़र्व है इनके पास 2480 करोड़ है, तो चाहे इस पैसे से कुछ कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ जो है थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो ये रहे इनके थोड़े से नंबर्स। और अगर हम और डिटेल्स में चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और मनी कंट्रोल की साइट पे आ चुके हैं, फाइनेंशियल हम देख ही चुके हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान, SBI मैग्नम मिड कैप, यानी कि काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनियां हैं इस पे जो निवेशित हैं, और प्रमोटर्स के पास 62% के करीब करीब इनके पास होल्डिंग है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर्स के पास जून 19 में जो इनके पास थोड़ी सी कम हुई, जबकि मार्च 19 में देखिए 62.59 है, और जून 19 में 62.52% है, थोड़ी सी कुछ परसेंटेज इन्होंने शायद घटाई है। और शेयर प्लेस में अगर हम देख लेते हैं, ये देखना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार की स्थिति है इनकी, यहाँ पे कहीं शेयर गिर भी तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, एज ऑफ ग्रैंड टोटल 62%,
शेयर होल्डर एसटी ग्लोबल आईटी सॉल्यूशंस होल्डिंग लिमिटेड और नंबर ऑफ शेयर्स नील दिखा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि शेयर होल्डिंग इनकी जो है कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और अब हम थोड़ा सा डिविडेंड हिस्ट्री पे देख लेते हैं, डिविडेंड किस प्रकार देती है। देखिए डिविडेंड के मामले में मुझे जहाँ ऐसा लग रहा है कि साल में 4 दफ़ा देता है, तो ये एक अच्छी बात है कि लगातार आप कुछ देखना इसलिए ज़रूरी है कि प्रतिवर्ष, जैसे हम 2016 से देखते हैं तो 16 में भी 2016 में 4 बार दिया, 2017 में भी 4 बार दिया, 2018 में भी 4 बार डिविडेंड दिया और 19 में भी 3 दफ़ा ये दे चुकी है और एक बार संभवतः और देगी फाइनल डिविडेंड। ये तो इंटरिम डिविडेंड राइट, तो एक शानदार डिविडेंड यहाँ पे जो लास्ट टाइम दिया इन्होंने अगस्त में 1.50 रुपये पर शेयर, और इसके पहले दिया था मई में 2.5 रुपये पर शेयर, और उसके पहले फिर इंटरिम डिविडेंड दिया था फरवरी में 2.5 रुपये पर शेयर। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डिविडेंड दिल खोल कर ये बांटती है अपने निवेशकों को जो लोग इस पर निवेशित हैं। तो होता क्या है कि जनरली अगर हमें स्टॉक प्राइस से भी कुछ लाभ नहीं दिख रहा, जैसे कभी कभी होता है कि डाउनसाइड होती है, तो थोड़ा सा एक निवेशक को राहत आ जाती है कि उसके खाते में कुछ डिविडेंड का पैसा आ जाता है। तो ये एक कंपनी जो अपना प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंट हिस्सा अगर निवेशकों से शेयर करती है तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने एक्सपेंशन में नहीं लगा के थोड़ा सा अगर इधर भी दे देती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको एक अच्छा माना जाता है। और चलिए शेयर पैटर्न का वो सॉरी डिविडेंड हिस्ट्री इनकी अच्छी लगी। और अब इस पर मैं जो बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए जो लोग निवेशित हैं वो निवेशित रहें, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अच्छी लगी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, नंबर्स भी इनके बहुत ऐसे ख़राब नहीं हैं। लेकिन जनरली ऐसी और भी कई कंपनियों का मैं दे चुका हूँ रिव्यू, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो लीडर हों अपने आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में, जो लीडर हों उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इनको भी लेनी चाहिए अगर जिनको लगता है। अपने आप खुद आप स्टडी आप भी करें, जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ चीज़ें बता पाने में जो मैं सक्षम था बताने की पूरी कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में इसलिए नहीं बता सकता कि वीडियो कम से कम 45 मिनट से या 1 घंटे का बन जाएगा, जो संभवतः मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई देखेगा भी, क्योंकि ऐसे ही मुझे बहुत कॉमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा छोटा बनाया करिए, 4 बातें बताने में भाई साहब इसमें 10-12 मिनट हो जाते हैं, मैं क्या बोलूँ आपसे। अच्छा रिटर्न वाइज अगर हम आते हैं तो 10 सालों में इसने दिया है 826% का, जो अभी वर्तमान स्थिति दिख रही है इस गिरावट के बाद भी। तो अच्छा एक अच्छी चीज़ ये है कि चलो इस आईटी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मेरे ख्याल से, जो सेक्टर है इनका ओवरऑल, तो 10 सालों में 800 मतलब 850 मान लीजिए लमसम 826% के एक अच्छा नंबर है, क्योंकि आपका पैसा करीब करीब 8 गुना से ज़्यादा कर चुका है, और 5 सालों में 133% के रिटर्न है, 3 सालों में 92% के रिटर्न है, 1 साल में यहाँ पे 10% के नेगेटिव में रिटर्न है, लेकिन जिन्होंने जनवरी से पैसे इन्वेस्ट किए उनको 14% के रिटर्न है, और 1 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको 6.34% के रिटर्न मिल रहे हैं, और 1 वीक में जिन्होंने निवेश किया उनको भी 1.77 का लॉस दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर जो लंबे समय के निवेशक हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ हो रहा है, इसमें कई गुना हो चुका है उनका पैसा, 8 गुना से ज़्यादा, तो एक बेहतरीन कंपनी है। और इस पे मेरी तरफ से कोई राय नहीं है, मैं नहीं देना चाहूँगा, आपको लगता है देखिए जो लोग निवेशित हैं वो निवेशित रहें, डिविडेंड का आनंद लें, और जो लोग नई खरीदने चाहते हैं तो अपने थोड़ी स्टडी कर लें, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे ये वॉच में नहीं था, मैंने इस पे कुछ थोड़ा सा पढ़ा और देखा और इसकी हिस्ट्री 10 सालों की देखी, इसके काफ़ी बारे में जानने की कोशिश की, तो मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष रखा। अगर दोस्तों आपको कोई कुछ लगता है कुछ बताना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें इस पे इसके जो है बारे में बताएं, या फिर अगर कुछ और भी इसके बारे में न्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।